हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पहले देख रहे थे ग्राफ क्या है, उसी ग्राफ में हम लोगों ने देखा सिंपल ग्राफ क्या है। अभी देखेंगे हम लोग प्लानर ग्राफ। ये प्लानर ग्राफ ग्राफ थ्योरी के, मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ग्राफ थ्योरी के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके नेट, गेट या फिर कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्लानर ग्राफ क्या है। प्लानर ग्राफ इन ए ग्राफ थ्योरी, ए प्लानर ग्राफ इज ए ग्राफ दैट कैन बी एम्बेडेड इन ए प्लेन। कंसीडर ए प्लेन ग्राफ जी इक्वल टू वी कॉमा ई। मतलब ये जो ग्राफ जी है, जिसमें वर्टिसेस एंड एजेस होगा, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई भी एजेस एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेगा। ये जो क्रॉस है वो दो एज एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस हो जाएगा तो ये नॉन प्लानर होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो एक ग्राफ है, ये देखिए ए बी सी डी, ये चारों वर्टिसेस है, एंड इसमें जो एजेस है वो, ये एक कंप्लीट ग्राफ है। इसमें जो एजेस है, ये दो एजेस एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक प्लानर ग्राफ नहीं है, ये नॉन प्लानर ग्राफ है। इसी नॉन प्लानर ग्राफ को अगर हम लोग प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए सेम इसी तरह का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ए से सी जो एज कनेक्टेड है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अगर बी से डी हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये नॉन प्लानर होगा, अगर बाहर से लेकर आएंगे तो ये एक प्लानर ग्राफ बन जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये जो ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये एक ग्राफ है, ये नॉन प्लानर ग्राफ है। अगर नॉन प्लानर ग्राफ को हम लोग अगर प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आउटर का जो है वो एज इट इज़ रहने देता है, मतलब ए बी सी एंड डी को ऐसे रहने देता है, बाकी ये जो आई एच जी एंड एफ जो है उसको हम लोग अगर अंदर में ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, तो इसके साथ ये कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये एफ। देखिए ये एक नॉन प्लानर ग्राफ एक प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग एक प्लानर ग्राफ को, नॉन प्लानर ग्राफ को प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी, मतलब एक प्लानर ग्राफ क्या होगा, जिसमें कोई भी एजेस एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेगा, ये नॉन, ये प्लानर ग्राफ का डेफिनेशन है। इसी प्लानर ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट है क्या, रीजियन। रीजियन क्या है, ए रीजियन इज ए डिफाइंड टू बी एन एरिया ऑफ ए प्लेन दैट इज एम्बेडेड बाई एजेस एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। वो अगर फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होगा, मतलब ये जो प्लानर ग्राफ है इसी प्लानर ग्राफ में ही रीजन होगा। एक क्लोज एरिया को हम लोग बोलेंगे रीजन। तो यहाँ पर रीजन क्या होगा, देखिए ये एक क्लोज है तो इसका रीजन वन है, ये जो एक क्लोज है इसका रीजन टू, ये जो है इसका रीजन हम लोग थ्री बोलेंगे, एंड बाहर का जो है उसको हम लोग रीजन फोर बोलेंगे। मतलब इसका जो रीजन होगा वो आर फोर होगा, मतलब चार रीजन होगा, आर इक्वल टू फोर, इसका चार रीजन होगा। सिमिलरली ये एक प्लानर ग्राफ है, इसमें कितना रीजन होगा, देखिए ये एक क्लोज एरिया है, ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, ये रीजन थ्री फोर फाइव एंड आउटर रीजन होगा सिक्स। ये आउटर रीजन क्यों होगा, देखिए क्लोज एरिया है लेकिन बाहर में तो कुछ तो है, इसलिए हम लोग बाहर को भी एक रीजन, पूरा एक रीजन बाहर को भी हम लोग एक पूरा रीजन मान लेते हैं। तो इसका रीजन कितना होगा, आर इक्वल टू सिक्स। रीजन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीजन, जो इसका सिक्स होगा। अभी इसी रीजन के ऊपर बेस करके एक थ्योरी है जिसको हम लोग यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। इसी यूलर्स थ्योरम के वीडियो हम लोग फर्दर देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। प्लानर ग्राफ के ऊपर ही
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एक कंप्लीट ग्राफ ऑफ फाइव वर्टिसेस इज ऑलवेज नॉन प्लानर। मतलब एक अगर कोई भी कंप्लीट ग्राफ हो जिसमें फाइव वर्टिसेस है तो वो कभी भी प्लानर ग्राफ नहीं होगा। तो अभी देखिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। अगर ये एक वर्टिसेस है, 2, 3, 4, 5, ये 4, 5 वर्टिसेस है। इसी 5 वर्टिसेस को हम लोग पहले कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया, अभी ये तो कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ कब होगा, जब एक दो ये एक वर्टिसेस हर एक के साथ कनेक्ट होगा। तो अगर ये वर्टिसेस इसके साथ अगर कनेक्ट किया जाए, अगर इसके साथ कनेक्ट किया जाए, अभी भी ये प्लानर ग्राफ है। अभी देखिए हम लोग अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो अगर हम लोग बाहर से अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो चलेगा। अभी इस पॉइंट पे देखिए, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ नहीं है, इसको भी हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। अभी देखिए इस पॉइंट पे ये जो वर्टिसेस है, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कनेक्ट है। हाँ, इसके साथ कनेक्टेड है। अभी देखिए इसको अगर हम लोग फिर देखिए, इसको अगर इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्ट है, बट इसके साथ कनेक्ट नहीं है। अगर इसको हम लोग यहाँ से लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फाइव वर्टिसेस किसी में दिया गया है, एक कंप्लीट ग्राफ अगर होगा तो वो कभी भी प्लानर ग्राफ नहीं होगा, वो नॉन प्लानर ग्राफ होगा। अगर उसको हम लोग कोई भी दूसरा एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, देखिए ये एक वर्टिसेस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये पॉइंट हो गया कनेक्टेड हर दूसरे के साथ। अभी इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अभी इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अभी इस पॉइंट पे आते हैं, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, अभी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर देखिए इसके साथ हम लोग कनेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा, तो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो एक पॉइंट नहीं हो रहा है। अभी इसको हम लोग देखते हैं, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, अभी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए अभी अगर इसके साथ हम लोग कनेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा, तो वे नहीं होगा। अगर इसी तरह से घूम के अगर आएंगे तो यहाँ पर भी एक क्रॉस आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी अगर एक एग्जांपल हम लोग लेंगे एक कंप्लीट ग्राफ का जिसमें फाइव वर्टिसेस होगा, तो वो ऑलवेज नॉन प्लानर ग्राफ ही होगा। हम लोग इसको कभी भी प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो प्लानर ग्राफ है एंड नॉन प्लानर ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज देखा। इसी प्लानर एंड नॉन प्लानर ग्राफ रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।